मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से वंचित बहुजन अघाड़ी प्रत्याशी मोहम्मद सिराज ने भरा पर्चा। देखो, चुनाव मैं पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 2012 से लेकर 2017 में नगर सेवक था। आज़ादी था, इंडिपेंडेंट जीता था और इंडिपेंडेंस ही लड़ता था। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, वंचित बहुजन अघाड़ी की पूरी टीम है मेरे साथ में, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में आए, गोंडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए आए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, उधर की भी टीम का, कि आप उन लोगों ने मेरे पर भरोसा करके दिए कि मोहम्मद ये सीट हम निकालेंगे और ज़रूर हम लोग ये सीट निकाल के दिखाएंगे कि गोंडी के अंदर एक सीट लेके ही आएंगे। इसलिए लेके आएंगे, एक आज़ाद था और एक मेरे देखो एक सब पूरे कार्यकर्ता जो सुबह से इन खड़े ले, इनका तहे दिल से पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और करके दिखाएंगे डेवलपमेंट के अंदर, जो पहले भी किया था 2017-12 से लेकर 17,000 गार्डन वगैरह, हॉस्पिटल सब मैंने डेवलपमेंट किया। आते ही इंशाल्लाह गोंडी के अंदर नशा खत्म होएगा, हॉस्पिटल बनाएंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ करेंगे हम, जो लोगों को फायदा हो। जिससे एक कहा जाए आपका एक जीवन मोहम्मद सिराज जो कि मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में अपनी पहचान कार्य सम्राट नगर सेवक के रूप में बनाई है, 2024 के विधानसभा चुनाव में आप वंचित बहुजन अघाड़ी प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं मोहम्मद सिराज ने नामांकन के बाद हमारे संवाददाता को बताया कि स्थानिक होने के नाते इस चुनाव में उन्हें जरूर सफलता मिलेगी और वर्तमान माहौल जरूर बदलेगा। अगर बात कार्य सम्राट नगर सेवक की जाए तो कहीं कहा जाए मोहम्मद सिराज जो कि एक प्रचलित चेहरा के रूप में नजर आ रहे हैं। आज वांछित बहुजन अघाड़ी से इन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है मानखुर्द शिवाजी नगर। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। भाई मैं बाहर जाना है। मोहम्मद भाई क्या आन परी चुनाव लड़ने की? देखो, चुनाव मैं पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 2012 से लेकर 2017 में नगर सेवक था। आज़ादी था, इंडिपेंडेंट जीता था और इंडिपेंडेंस ही लड़ता था। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, वंचित बहुजन अघाड़ी की पूरी टीम है मेरे साथ में, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में आए, गोंडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए आए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, उधर की भी टीम का, कि आप उन लोगों ने मेरे पर भरोसा करके दिए कि मोहम्मद ये सीट हम निकालेंगे और ज़रूर हम लोग ये सीट निकाल के दिखाएंगे कि गोंडी के अंदर एक सीट लेके ही आएंगे। इसलिए लेके आएंगे, एक आज़ाद था और एक मेरे देखो एक सब पूरे कार्यकर्ता जो सुबह से इन खड़े ले, इनका तहे दिल से पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और करके दिखाएंगे डेवलपमेंट के अंदर, जो पहले भी किया था 2017-12 से लेकर 17,000 गार्डन वगैरह, हॉस्पिटल सब मैंने डेवलपमेंट किया। आते ही इंशाल्लाह गोंडी के अंदर नशा खत्म होएगा, हॉस्पिटल बनाएंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ करेंगे हम, जो लोगों को फायदा हो। जिससे एक कहा जाए आपका एक जीवन अगर कहा जाए तो राजनीतिक जीवन बिल्कुल संघर्षमय रहा है। आज वांछित बहुजन अघाड़ी से आपने नामांकन दर्ज किया, क्या कहना चाहेंगे जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बिल्कुल ख़राब सा बना हुआ है, तो किस तरीके से आप सुधारेंगे? कहीं ना कहीं कहा जाए कि बहुत कठिन है नगर पनघट की, यानी आपको इसको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो किस तरीके का आपका कार्यशैली रहेगा? देखो, जब मैं 2012 में जब इंडिपेंडेंस जीत के आया था तो वो टाइम में भी मेरे वार्ड के अंदर कुछ नहीं था। काम कोई बड़ा नहीं होता है, काम कोई हार्ड नहीं होता है, उसे करने वाला होना चाहिए। मैंने जो गार्डन के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान, माता भाई अम्बेडकर उद्यान, साहू महाराज उद्यान, ये पहले कैसा था और वहाँ पे जाके पूछो अब कैसा है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल कैसा था अब कैसा हॉस्पिटल, लोग देखो शहीद स्मारक था नहीं था। मैंने गोंडी के अंदर वो डेवलपमेंट करके आया जो आज तक नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप भी अभी भी जाके देखो मेरे पूरे परेड के अंदर इनका 15 साल का काम देखो और मेरा 5 साल का काम देखो और उसको इक्वल करो, कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने 5 साल में क्या करके दिखाया और ये 15 साल में अभी क्या कर रहे। कई ऐसे प्रत्याशी इस बार नज़र आ रहे हैं जो कि बाहरी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय? देखो, मैं बोलता हूँ, मैं स्थानिक हूँ, स्थानिक उम्मीदवार भी हूँ, स्थानिक बच्चा भी हूँ, यहाँ का भाई भी हूँ, यहाँ का दोस्त भी हूँ। बाहर वाले खाली जिसको बी फॉर्म मिलेगा, ए बी फॉर्म मिलेगा, वही आके पार्टी में भरेगा और जिसको नहीं भरेगा, नहीं मिलेगा, वो अभी चले जाएगा। इसका मतलब उनको सत्ता की, कुर्सी की, पार्टी की लालच है, उनको लालच है, इसलिए वो गोंडी के अंदर आए। जिसको लालच नहीं रहती वो पहले से ही काम करता है,
जो रहेगा वो काम करेगा ना, हम अपने घर में रहेंगे तो हम अपने घर का पूरा डेकोरेशन करेंगे। अभी हम भाड़े के घर में रहेंगे तो हमने सर ये तो भाड़े का घर है बोले, ना पंखा चलने दो, ये करने दो, अरे हमको क्या करना है, साफ़ सफाई हम अच्छी से करेंगे, हर चीज़ की हम घर के अंदर देखभाल करेंगे। ये हमारा घर है, ये गौंडी हमारा घर है, यहाँ के बच्चे हमारे बच्चे, यहाँ के जो बच्चे उभरते हुए एक एक ज्वालामुखी है जो गौंडी के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये ज्वालामुखी को इन लोग नशे के अंदर इनको ठंडा कर दे रहे, तो इसके लिए मैं विरोध करता हूँ पूरी टीमों का, जो नशे के अंदर नशे के लिए बच्चों लोग का साथ दे रहे, नशे वाले को साथ दे रहे, इसके लिए मैं उनका विरोध करता हूँ। और मैं अपील करता हूँ गौंडी की सभी आवाम से कि आप लोग पार्टी के दलाल लोगों से बचो। यहाँ के देखो ये सब मेरे साथ में जो खड़े सब स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय का स्थान हम यहाँ पे रहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। अब जो बाहर के आएंगे तो इनके साथ के बाहर आएंगे, यहाँ बने हमारा ये है, अभी जो लंगूर भी रहेगा उसको बताएंगे अंगूर है, तो हमारे अपना बहक जाते कुछ पल के लिए, कुछ पैसा देते हैं, कुछ दलाल लोग पैसा वैसा देते, उनको नहीं मालूम कि 5 साल उनको रोना है। ये आज तुम्हारे घर पे आ रहे एक दिन के 5 मिनट के लिए, पर 5 साल तुमको इनके आगे पीछे भागना है, उनको तुमको रोना है और तुम परेशान हो जाओगे वो चीज़ के लिए। बस एक अंतिम सवाल, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस चुनाव में माहौल बदलने की बात की जा रही है, किस तरीके का माहौल बदलने की बात की जा रही है? देखो माहौल बदलना यही है कि यहाँ पे जो ड्रग्स ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पे जो बच्चे लोग जो गौंडी के लिए गौंडी से जो बाहर जाते हैं हिजाबों के लिए, जिसके ऊपर इतना बड़ा आप लोग देखो हो सकता है कि कितना हिजाब पहन के नहीं जा सकते, हम गौंडी के अंदर ऐसा एक कॉलेज बनाएंगे कि यहाँ के सभी हिंदू भाई मुसलमान भाई हर एक भाई लोग सब भाइयों की बहन बच्चियाँ सब मिलजुल के एक साथ रहे, यहाँ पे कोई राजनीतिक ना हो, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन हो कॉलेज के अंदर, और उसके और एक दूसरे मिल के एक ताकत बन के खड़े रहे कि हमारा घर है, ये हमारे गौंडी है, आज हम बच्चे थे हम बड़े हो रहे और हमको भी मरना है। अच्छा काम करोगे तुम्हारा अच्छा नाम होएगा, पीछे नाम बोलेंगे, बुरा काम करोगे तो बुरा होएगा। और जो सोचेगा और जो सोचता है देखो कि गौंडी के अंदर अच्छा सोचने के तरीके तो मैंने करके दिखाया, और जो नहीं किया आवाम आज ये बार बताएगी कि आवाम को क्या करना है। मोहम्मद सिराज से हम आपको बताना चाहेंगे, एक कार्य सम्राट नगर सेवक के रूप में इन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया, वहीं आज वांछित बहुजन अघाड़ी से ये प्रत्याशी के रूप में मानपुर शिवाजी नगर अंतर्गत विधानसभा अंतर्गत इन्होंने आज अपना नामांकन किया है, और ये पूरी उम्मीद है इन्हें कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार जो कि मोहम्मद सिराज स्थानीय उम्मीदवार हैं इस बार चुनकर जरूर आएंगे। मैं मुकेश साई, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।